अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस और मैं हूं आपका दोस्त शादाब आलम। आज 18 अक्टूबर 2022 को प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक पूरा अमन जलसा मुनक्किद किया गया। यह जलसा जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम JKCDF की तरफ से मुनक्किद किया गया था, जिसमें इस तंजीम के प्रेजिडेंट सजाद अहमद परे का मुतालबा था कि मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। जम्मू में भी डेली वेजर्स फोरम की तरफ से सरकार के आदम तवज्जो के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। श्रीनगर में यह जलसा आज सुबह 11:30 बजे मुनक्किद किया गया था। आप दिल्ली में 635 रुपया दे रहे हो और यहाँ पे 311 रुपया दे रहे हो, ये हमारे साथ जुल्म है, ना इंसाफी, हमारे जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। आप देख रहे हैं इस वक्त एहतजाजी धरना चल रहा है प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। हमारे यहाँ पे कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज, रेगुलर एम्प्लॉयज, गेस्टेड, नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, यहाँ के सभी जितने C2 है, यहाँ पे EJAC है, EJCC है, जितने भी यहाँ पे तंजीमें हैं वो सब के सब आज डेली वेजर कैजुअल लेबर के आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाए हुए हैं और एक ही एजेंडा है, डेली वेजर कैजुअल लेबर्स की मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए और उनके हक में रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स इशू किए जाए। सरकार ने परसों ही यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से नोटिफिकेशन निकाली, लेकिन सरासर ना इंसाफी है हमारे साथ। जो आप दिल्ली में 635 रुपया दे रहे हो और यहाँ पे 311 रुपया दे रहे हो, ये हमारे साथ जुल्म है, ना इंसाफी है, हमारे जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। इसको हम कभी तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने फैसला कर लिया है, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमारा एक एक मुतालबा पूरा नहीं किया जाता है। हमारे वाजिया डिमांड से रेगुलराइजेशन जितने भी 94 से लेके 17 मार्च 2015 तक लगे हैं और मिनिमम वेज एक्ट हर एक डेली वेजर कैजुअल लेबर, ITI वर्कर, लैंड ओनर, CP वर्कर, HDF, सीजनल लेबर, कंसोलिडेटेड हेल्पर्स, जितने भी यहाँ पे सफाई कर्मचारी, उन सब के हवाले से मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमने फैसला कर लिया है। जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी लीडरशिप बैठी हुई है, जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की नुमाइंदे बैठे यहाँ पे हुए हैं, हम बैठ के मशावरत करेंगे और इनके लाभी प्रोग्राम सामने लाएंगे और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नमेंट दिल्ली में 3 साल के बाद इनको मिनिमम वेज रिवाइज करना था, लेकिन इन्होंने 5 साल के बाद रिवाइज किया। अब 5 साल के बाद रिवाइज करना था तो बड़ा चढ़ा के इन्होंने पेश किया कि यहाँ के RC मुलाजमीन को तोहफा दिया जाएगा। कौन सा तोहफा दिया? 635 रुपया वो दिल्ली में दे रहे हैं और यहाँ पे 311 रुपये दे रहे हैं। 7th पे कमीशन ने 2018 में 1818,000 रुपया मिनिमम वेज रिकमेंड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने उसको एक्सेप्ट किया है और आज 2022 में ये 9,000 रुपये दे रहे हैं। ये सरासर ना इंसाफी है, जुल्म है, ये बेगार लेने के बराबर है। सरकार से हमारी गुजारिश है, हम बंधवा मजदूर नहीं है, हम आपके मुलाजमीन है, मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए। अगर आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हम सड़कों का रुख करेंगे, जिसकी तमाम दर जिम्मेदारी आपकी है।